आज हम आपने ले जा रहे हैं क्लास 10 में चैप्टर नंबर 2.1 सब्जेक्ट मैथ्स। अपना चैप्टर है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, किसी भी तरीकों में लिखे जा सकते हैं। जैसे अब यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब ये है कि भाई कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है या कोई भी पॉजिटिव नंबर है उसको a इक्वल टू b क्यू प्लस r के फॉर्म में लिखा जा सकता है। a इक्वल टू b क्यू प्लस r के फॉर्म में लिख रहे हैं, इसका मतलब a जो है उसमें डिवाइड हो रहा है किसी अदर नंबर का, तो वो डिवाइड करने वाली जो डिजिट है वो है b। क्यों है अपने पास क्वोशेंट प्लस r है अपने पास रिमाइंडर। r इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 एंड लेस देन b। r की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी या उसके इक्वल हो सकती है बट b से ऑलवेज छोटी होगी। तो इसके अपन कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि हमारे पास अपनी एक्सरसाइज आती है 2.1, एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.1 शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अपन को बताना है किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो होता है इज ऑफ द फॉर्म 8q+1, वो 8q+1 के रूप में होता है। वेयर q इज ए पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पे q क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो अपन को बताना है कि स्क्वायर ऑफ एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो आपको मानना पड़ेगा पहले कि कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो लेट a जो है b एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर अपन ने मान लिया। ये कोई ऐसा ऑड पॉजिटिव इंटीजर है जिसको एक को अपन लिख सकते हैं a इक्वल टू 4m+1 या फिर 4m+3। प्लस 1 और प्लस 3 लिखने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर का डिवीजन करने के लिए प्लस 1 और प्लस 3 अपन करवा रहे हैं। तो ये हो गए अपने पास ऑड नंबर। इनका अपन को बोल रहे हैं स्क्वायर बताना है, तो स्क्वायर यानी प्लस का स्क्वायर लेके चलते हैं। तो स्क्वायर ऑफ ए, ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4m+1 का स्क्वायर। ए स्क्वायर इक्वल टू 4m+1 का स्क्वायर। अब ब्रैकेट ए प्लस बी के होल स्क्वायर को फॉर्मूला लग रहा है यहाँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab+b² के फॉर्म में होती है। अपने पास a की वैल्यू है 4, अपन यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं a का स्क्वायर के लिए 4m² प्लस 2ab की जगह पे 2, a की जगह पे अपना वैल्यू है 4m प्लस b की वैल्यू है अपने पास 1+b का स्क्वायर। b वाली टर्म अपने पास क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। 4m का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, m का स्क्वायर m स्क्वायर 2, 4 जा 8, 8 बन जा 8 और m एज इट इज प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब अपने पास स्टार्टिंग की टू टर्म में हमको कोई चीज सेम दिख रही है, 8 की टेबल में 16 भी आते हैं और 8 भी आते हैं, कॉमन ले लेते हैं और m भी आए m नहीं लेंगे लेकिन अपन 8 कॉमन के यहाँ पर देंगे 2m² प्लस m प्लस 1। तो यहाँ पे जो अपने पास 8 2m² प्लस m जो ब्रैकेट के अंदर बना है उसको मान लेंगे। क्यों, क्योंकि अपन को फॉर्म जो लानी है 8 2+1 के फॉर्म में लानी है क्वेश्चन में ए वन, तो इसको मान लिया क्यू प्लस वन वेयर क्यू इक्वल टू 2m² + m। ये हो गया हमें ए स्क्वायर, जिसको अपन ने बता दिया कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर था जिसको अपन ने 8q+1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट अपन 4m+3 भी लेकर के चल लेते हैं। तो अनदर नंबर ए स्क्वायर
9 b की जगह पे 3 प्लस a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और a का स्क्वायर 16 n स्क्वायर और हो जाए 8 8 की जगह 24 n 3 की जगह 9 इनमें भी कुछ अपन कॉमन आ रहा है a स्क्वायर सॉरी इस क्वेश्चन में अपन को सेम कैसे दिखाई दे रही है देखेंगे एक बार a स्क्वायर इसको स्टार्टिंग के रूप में अपने पास कॉमन आ रहा है 14 सॉरी 8 की टेबल जो आ रहा है अपने पास 8 अंदर बचेगा m स्क्वायर 2m स्क्वायर प्लस 8 की टेबल में 4 कितने नहीं आएंगे 3 प्लस 3 n प्लस आगे वाली जो टर्म है 9 9 को अपन लिख सकते हैं 8 प्लस 1 की फॉर्म में तो यहां पे बचेगा क्या 8 तो ये हो जाएगा 8 में से अपन ने 8 को बाहर ले लिया तो बचा 1 इसको निकाला था 8 प्लस 1 तो 8 को अपन ने ले लिया कॉमन जो अंदर बच गया 1 पर 8 प्लस 1 में 1 जो लास्ट वाले टर्म थी वो अपने बाकी है उसको लिख रहे हैं प्लस 1 8 पूरी टर्म बना लिया हम तो 8 को क्यू प्लस 1 8 स्क्वायर ऑपोजिट वेयर क्यू इक्वल टू 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 वापस से अपन ने बता दिया कि n पॉजिटिव ऑड इंटीजर जिसका स्क्वायर जो होगा हमेशा 8 क्यू प्लस 1 के रूप में ही होगा ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट है नेक्स्ट इसका लेके चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 बाय यूनिट डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9 क्यूब और 9 क्यूब प्लस 1 और 9 क्यूब प्लस 8 कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जिसका क्यूब जो है 9 क्यूब 9 क्यूब प्लस 1 और 9 क्यूब प्लस 8 के रूप में होना चाहिए तो अपन वापस से मान के चलते हैं लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर इन पॉजिटिव इंटीजर जो मान के चल रहे हैं अपन वो है a अब जो k है वो होगा वापस b क्यू प्लस r के फॉर्म में क्योंकि यूनिट डिवीजन लेमा में के अकॉर्डिंग कोई भी नंबर a इक्वल टू b क्यू प्लस r के फॉर्म में लिखा जा सकता है जहां पे अपने पास r की वैल्यू होगी 0 से बड़ी या उससे इक्वल एंड फिर उसके बाद क्या करना है अपन को एक कोई नंबर मान के चलना जैसा कि अपने पहले करा था और हम प्लस वन पहले माना था लेकिन इस बार क्या है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो अपन को लाना है उसका क्यूब 9 तो अपन नंबर लेके चलेंगे b की जगह पे 3 तो लेट b इक्वल टू 3 b अगर 3 लेते हैं तो अपना बन जाता है a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस आर की वैल्यू 0 1 2 कुछ भी हो सकती है तो आर इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 कंटिन्यू कुछ भी इसकी वैल्यू हो सकती है पुट करते हैं वैल्यू ए इक्वल टू 3 क्यू प्लस 0 लिया तो क्या बन गया ए इक्वल टू 3 क्यू फर्स्ट नंबर कंप्लीट सेकंड इफ r इक्वल टू 1 यहाँ ये r इक्वल टू 0 अगर आप 1 लेते हैं तो a इक्वल टू 1 यहाँ आपको को पता है क्यूब है किसी भी नंबर का क्यूब है तो आपको क्यूब करना जरूरी है a क्यूब b क्यूब प्लस 0 का क्यूब 0 की वैल्यू नहीं होती है तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 27 टोटल देते हैं यहां 27 आना चाहिए तो क्यूब की पावर 3
ब्रैकेट के अंदर अपन कुछ भी डिजिट मान सकते हैं, जैसे कि 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएंगे, अब 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ जाएंगे, और यहाँ पे जो 2 की पावर 3 है एज इट इज प्रेजेंट। 3 क्यू की पावर 3 जो है उसको अपन मान लेते हैं 9m, वेयर जो m होगा 3 क्यू की पावर 3 होगी। तो 9m आए या फिर 9 क्यू आए बात एक ही होती है। r इक्वल टू 1, r इक्वल टू अगर अपन 1 पुट कर रहे हैं तो a इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1, इसका अपन को क्यूब करना है करने के लिए वापस से कोई टर्म लगाएंगे ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर 3 ए बी स्क्वायर। थ्री प्लस क्यू 27, क्यू की पावर 3 क्यू की पावर 3 1 प्लस 3 का स्क्वायर जो होगा 9, 9 की ना 27 आगे क्यू की पावर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएंगे अपने पास 9 क्यू। फिर नेक्स्ट अपन जमाते हैं 27 क्यू की पावर 3 प्लस 1 अरेंज करा है। नेक्स्ट नंबर क्या है अपने पास कॉमन आ रहा है 9, स्टार्टिंग में 3 टर्म 9 कॉमन लिए 2 की पावर 3 प्लस 3 2 की पावर 3 प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1, वापस इसको मान लेंगे n 9m प्लस 1 वेयर m इक्वल टू 3 क्यू की पावर 3 प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू कंप्लीट। नेक्स्ट हम अपन सिमिलरली ए क्यूब इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2 की पावर 3 इसको डायरेक्ट लिख देंगे 9m प्लस 8। सेम प्रोसेस है इसी तरीके से यहाँ पर अपने पास आ जाएंगे 9m प्लस 8, तो ये अपन ने नहीं होगा तो अपन